नमस्कार। मनुष्य समान दर्जे से ही जन्मता है और मृत्यु तक वो उसी दर्जे तक प्राप्त भी करता है। इसके बीच में जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं कुछ बातें आती हैं और बातें आती हैं, बातें चली जाती हैं, लेकिन उन बातों को जो अपनी ज़िंदगी की ताकत बना लेता है और सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उस ताकत को दे देता है, वही महापुरुष कहलाता है, वही युग पुरुष कहलाता है। ऐसे ही युग पुरुष हैं, ऐसे ही प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जीवन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री आशुतोष जी पंत, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान के, आपका स्वागत है। साथ में हैं श्री रामस्वरूप जी अग्रवाल, आप मुख्य संपादक हैं सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका के, और साथ में हैं श्री बी एल बैरवाची, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया SC ST रेलवे एसोसिएशन के। रामस्वरूप जी, बात की शुरुआत आपसे करेंगे कि जब कहीं हम लोग देखते हैं किसी महापुरुष का जीवन परिचय, तो देखने में आता है कि उसे वो बनाया किसने। परिस्थितियां होती हैं जो उस महापुरुष को महापुरुष बनाती हैं, लोग होते हैं, लेकिन एक परिवार का संबल होता है जी। उनकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं जिनका सहयोग होता है। बाबा साहब को बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ तक पहुँचाने में उनके परिवार का क्या सहयोग रहा? देखिए, उनके पिताजी फौज में सूबेदार थे और इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने सारे बच्चों में एक अनुशासन का भाव दिया जी। सारे काम समय पर करना। वो ये भी कहा करते थे कि भाई, तुम जो प्राचीन ग्रंथ हैं गीता रामायण, इनका अध्ययन करो। माँ भी उनकी बड़ी स्नेहमयी थी, लेकिन बाबा साहब पिता के संस्कारों के बारे में कई बार उन्होंने लिखा, स्वीकार किया कि पिता का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था, विशेष करके अनुशासित जीवन के बारे में वो पिता से ही उन्होंने सारा सब कुछ ग्रहण किया। ठीक है। इसके अलावा स्कूल के जो अध्यापक थे, यद्यपि समाज के द्वारा उनके साथ अस्पृश्यता का बर्ताव किया जाता था, स्कूल में भी सबसे पीछे बैठना, जो पानी का जो सुराही है उसको छूना नहीं, नल को छूना नहीं, लेकिन अध्यापकों ने उनको बहुत स्नेह दिया। इतना ही नहीं, तो आप देखेंगे कि जो अम्बेडकर, जो उनका सरनेम है, वो भी एक ब्राह्मण अध्यापक थे उनके, उनका खुद का सरनेम था अम्बेडकर, वो उन्होंने बाबा साहब को, बहुत ही रोचक बात बताई, हाँ बाबा साहब को उन्होंने दिया। एक दिन वो भीग करके आए बरसात में और काफ़ी भीग गए थे, एक ब्राह्मण अध्यापक थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि इसको अपने घर ले जाओ और उसके सब तौलिए से पहुँचो, उसको सुखा करके लाओ। तो उनका बेटा उसको घर ले गया। स्कॉलरशिप जो उनको दे करके भेजा गया, वो भी उच्च वर्ग की व्यक्ति ही थे जिन्होंने, क्योंकि बड़े प्रतिभावान थे, मेघावी थे, तीव्र बुद्धि के थे जी, और इसलिए समाज का एक तबका जो है वो उनको आगे बढ़ाने में बाबा साहब के रूप में जो उनका व्यक्तित्व एक सामने आया उसमें बड़ा सहयोगी रहा। स्कॉलरशिप दे करके उनको बाहर भेजा गया। ठीक बात। बाहर से आने के बाद बड़ौदा जो राज्य है उसमें सैन्य सलाहकार के, हाँ सैन्य सलाहकार के रूप में, सैन्य सचिव के रूप में उनको नौकरी भी दी गई। ठीक बात। यदि भी आप देखिए कि नौकरी करते समय भी चपरासी भी उनके साथ भेदभाव कर रहा है, फाइल्स भी उनके हाथ में नहीं दे रहा, हूँ दूर से डाल रहा है, लेकिन ये बाकी लोग हैं, उन्होंने बड़ा स्नेह दिया, उनको आगे बढ़ाया। अब देखिए, दूसरी शादी जो उन्होंने की तो भी ब्राह्मण कन्या थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस व्यक्ति को बहुत सहयोग की, संभाल की, देखभाल की आवश्यकता है, तो डॉक्टर ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने उनकी शादी की और उनकी बहुत देखभाल की, बाबा साहब ने उसके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। तो ये सारे लोग, उनके पिता, उनकी माँ, उनके शिक्षक, उनकी पत्नी, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान था बाबा साहब के व्यक्तित्व को निखारने में। वाकई में वैसे भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र में मातोश्री के नाम से दो विख्यात हैं, एक शिवाजी की माँ जीजाबाई और एक बाबा साहब की धर्मपत्नी श्रीमती रमाबाई। बैरवा जी, परिवार से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक बात आती है जाति की, जिसकी सारी बातें लगातार चलती रहती हैं, जिसके पीछे उन्होंने विरोध किया। ये जाति एक्चुअली है क्या? कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लंबे समय से, हजारों वर्षों से ये चलती आ रही है। क्या यही बात है कि ये हमें सामाजिक सुरक्षा देती है और हमें एक पहचान देती है, और इन्हीं दो पहलुओं के कारण से ये टिकी हुई है? एक्चुअली जो हमारे देश, हमारे हिंदू धर्म के अंदर खासकर जो जाति व्यवस्था है वो बहुत खराब है। कारण यह है कि पहले जब ये जातियाँ पड़ी थी तो ये पेशे के हिसाब से जातियों के नाम पड़े थे, जो वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे कह सकते हैं हम लोग, वो वर्ण व्यवस्था आप कह सकते हैं, लेकिन जो आदमी जो काम करता था
कर्म के अनुसार, उस जाति से कर्म के अनुसार कह सकते हैं। आज की तारीख में कर्म बदल गए हैं। एक जो ब्राह्मण है वो भी जूते का व्यवसाय करता है, जबकि ये जो जूते का व्यवसाय था वो दलित समाज के लोग करते थे। और जो जैसे एक टेलर का काम है, नाई का काम है, दूसरे जो काम है वो जाति के हिसाब से नहीं रहे, क्योंकि बदलती अर्थव्यवस्था के अंदर ये बदल गए। लेकिन हमारी जातियां नहीं बदली हैं, हमारी जातियां वही हैं। और जाति सोच बदली है, सोच बदली है, सोच धीरे धीरे, जैसे बाबा साहब का ये जो आरक्षण और जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो एक्चुअली यही था कि जब कोई भी आदमी आर्थिक रूप से विकसित होगा और वो साधन संपन्न होगा तो उसकी सोच में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जैसे छुआछूत वाली बीमारी है, ये छुआछूत वाली बीमारी पहले पूरे देश में थी, फिर जैसे जैसे आरक्षण मिला, पढ़े लिखे नौकरी में आए तो पढ़े लिखे जो नौकरी वाले लोग हैं उनके साथ ये छुआछूत कम हुआ, मतलब साथ बैठ के खाना भी खाने लगे। बिल्कुल। और गांव में जो पीछे रह गए उनके साथ फिर भी छुआछूत रह गई, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक कोशिश तो की, मतलब डेवलपमेंट के साथ में ये जुड़ा हुआ मुद्दा है आज की तारीख में, कि जब डेवलपमेंट होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, उसका विकास होगा, तो छुआछूत धीरे धीरे घटती है। और बाकी में ये एक विकास हमने देखने को मिलता है 1967 में जब उडुपी में धर्म सम्मेलन हुआ, तो सभी धर्माचार्यों ने तक ने ये कहा कि अस्पृश्यता का हिंदू धर्म में कहीं कोई स्थान नहीं है और स्थान नहीं होना चाहिए। पंत साहब, राष्ट्रवाद के बिना आजादी संभव नहीं थी, राष्ट्रीय भावना आत्मसात जिन्होंने की वही महापुरुष कहलाए। बाबा साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में? अगर राष्ट्रवाद का रूप आप देखेंगे तो शायद इनका व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण इसका जवाब है। उन्होंने अपने शब्द जो कहे थे उसमें उन्होंने स्पष्ट बात कही थी, वो ये कि किसी भी सफल क्रांति के लिए असंतोष का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आपके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में तथा न्याय में आपकी आस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। ये बात अगर आप कोट कर लें तो आज के परिप्रेक्ष्य में सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। सही है। और हम आस्था व्यक्त नहीं करते भारत में, भारतीयता में, देश में आस्था व्यक्त नहीं करते और केवल असंतोष नाम का शब्द पकड़ लेते हैं, उसे क्रांति कहने लगते हैं, ये बड़ी भूल है। तो घोर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व था उनका और उन्होंने क्रांति को डिफाइन किया। तो यानी आप सबसे पहले जानिए, अपने देश को जानिए, अपने देश ने आपको जो दिया है उस पर जानिए और न्याय पे भरोसा रखिए, राजनीतिक अधिकारों पे भरोसा रखिए कि आपके पास अधिकार है, उसका उपयोग आप करेंगे और ये देश आपको देगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो हम कुछ देना, तो कुछ सीखे, देना बहुत सीखे। सही कही है आपने। और एक राष्ट्रवाद की बात मन साहब आपने कही है, तो बिना राष्ट्रवाद के जीवन चल नहीं सकता, राष्ट्र चल नहीं सकता। रामस्वरूप जी, बाबा साहब अम्बेडकर के ही कालखंड में कुछ ऐसे शख्सियत हुई हैं जिनके बिना हम इस कार्यक्रम को कभी पूरा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की एक विचारधारा थी, एक विचारधारा स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की थी और एक विचारधारा जिन्ना की भी थी। इन तीनों को बाबा साहब के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उनका दृष्टिकोण इन तीनों के प्रति क्या क्या था, तो ज़रा इसके बारे में कुछ स्पष्ट करेंगे। देखिए, गांधी जी से बाबा साहब के कुछ मामले में मतभेद थे, लेकिन बहुत सारे मामले में दोनों की एक भी राय थी। समाज में सुधार होना चाहिए, सब लोग आगे बढ़ने चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, इस पर कोई मतभेद नहीं था। लेकिन चूंकि बाबा साहब एक विशेष समाज से आए थे और विशेष प्रकार के अनुभवों को लेकर के आए थे, तो वो अपने आप को उस समाज का प्रतिनिधि मानते थे कि मेरे पर ही जिम्मा है कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। और इसलिए उन्होंने कई बार ये कहा भी कि इनको अलग इलेक्टोरेट मत का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी उसको स्वीकार नहीं करते थे। सावरकर जी प्रखर राष्ट्रभक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो एक सनातन जो एक राष्ट्रभक्ति की परंपरा है उसको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जिन्ना मूलतः बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जी, और उनको ये लगा कि यदि मैं द्विराष्ट्र की बात करूंगा, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात करूंगा, तो मुझे उस देश का नेता बनने का सर्वोच्च मौका मिलेगा। ठीक है। यदि भी देखिए, बड़ी मजेदार बात है, लोग कहते हैं ऐसा कि जिन्ना को ठीक से नमाज पढ़ना भी नहीं आता था। ऐसा लोग कहते हैं, मस्जिद में भी नहीं जाते थे, और कहते हैं कि वो उनका व्यवहार एक प्रकार का सेकुलर व्यवहार था, लेकिन उन्होंने
मुस्लिम के नाम पर द्विराष्ट्रवाद के नाम पर विभाजन की मांग की ताकि वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सके। तो ये चारों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन बाबा साहब जो है यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने एक समाज को रिप्रेजेंट किया, लेकिन आगे जाके सारे समाज को वो रिप्रेजेंट करने लगे। जब उनको संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर और बाद में चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं तो सोचता था कि 1935 में दिल्ली में ये काम हो चुका था, कई ग्रुप बने हुए हैं और मैं भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के इतना बड़ा विश्वास मेरे पर दिया है, तो मैं निश्चित रूप से इस विश्वास पर खरा उतरूंगा। और जो संविधान उन्होंने बनाया उसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने सभी समुदायों का पूरे देश का ख्याल रखा और उसके हिसाब से ही उन्होंने संविधान बनाया। बहुत सही कहा आपने, संविधान की बात की अपने और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की जो आपने बात की थी। बैरवा साहब, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि एक पंक्तियां आती हैं कि हम प्रेम से एमा करता हूं प्रतिज्ञा, तेरे रूप खंडित को अखंडित करके दम लूंगा। तो ये जो अखंडित रूप की बात आती है भारत माँ के, उस अखंड भारत के बारे में भारत बाबा साहब के विचार क्या थे? देखिए, बाबा साहब, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बाबा साहब सच्चे देशभक्त थे जी, और राष्ट्रीयता उनके दिल में कूट कूट के भरी हुई थी जी, और इसीलिए अनेकों ऐसे डिस्प्यूटेड मसले हैं जो आज की तारीख में, जैसे आप धारा 370 की बात करते हैं या दूसरे मसले हैं, उनमें उनकी जो राय थी वो बिल्कुल अलग थी और वो स्पष्ट रूप से उन्होंने राय रखी थी। भारतीय संविधान का जब निर्माण करने की बात आई, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और जब उन्होंने इस काम को अंजाम दिया तो सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में और एक एक करके कोई एक्सपायर्ड हो गया, कोई विदेश चला गया, कोई बीमार हो गया, कोई सहयोग नहीं कर पा रहा था। अकेले बाबा साहब ने ये काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाया, तब जो वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ आपको जी। उन्होंने ये कहा था कि एक आदमी जो अपने जीवन में इतना पीड़ित रहा हो, जो अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहा हो, भेदभाव ऊंच नीच का शिकार रहा हो, असमानता का व्यवहार हुआ हो, वो आदमी के हाथ में संविधान बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और उन्होंने संविधान को इस ढंग से बनाया कि पूरे देश के हर नागरिक के हित को ध्यान में रख करके और सबके लिए मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। यदि उनकी ऐसी मानसिकता होती तो शायद उनको मौका मिला था, वो कुछ बहुत कुछ उसमें कर सकते थे, बात है। बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक एससी एसटी दलितों की बात थी, एक सूक्ष्म उन्होंने उसमें प्रावधान करके उनको मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया और पूरा एक राष्ट्र को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। विभाजन के कभी भी पक्ष में नहीं थे, वो पूरा देश को एकजुट रखना चाहते थे। और उन्होंने अपने समाज को भी, हम लोगों को भी कभी ये उपदेश नहीं दिया कि आप जो राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करें, उन्होंने कभी उपदेश दिया ही नहीं, उन्होंने तो अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। रामस्वरूप जी, जो इस आदर्श की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें एक जब धारा 370 ये सब विषय आई है तो एक विषय आता है हिंदू कोड बिल का जो उन्होंने बनाया, और कहीं ना कहीं उनके मन में शायद ये रहा होगा कि जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो पहले पूरी तरीके से सीधी हो, सब कुछ उसके बाद में हो बाकियों को। लेकिन कहा गया उस समय, सनातनियों ने भी कहा और लोगों ने कहा कि सबको क्यों छोड़ा, जब ये एक राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीयता भारतीयता की बात है, तो हर एक भारतीय को शामिल क्यों नहीं किया गया? मूलतः है जो एक बहुसंख्यक समाज है, 80% से भी ज़्यादा जो समाज है जी, वो समाज कैसा है उस पर देश निर्भर करता है जी। और इसलिए उनके मन में था कि जो हिंदू समाज है, सदियों से इसमें जो बुराइयां आ गई हैं, स्त्री को कुछ अधिकार नहीं है, उनको भी दबाया गया है जी, तो वो उन कानूनों में कुछ बदलाव करना चाहते थे। लेकिन बाकी लोगों का ये मानना था कि आप केवल हिंदुओं में ही क्यों बदलाव कर रहे हो, फिर ये जो कानून है सारे सब लोगों पर क्यों नहीं लागू कर रहे, जो भी भारत में रहने वाला है, एक समान नागरिक संहिता के रूप में। तो यद्यपि समान नागरिक संहिता की बात नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है, संविधान में मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत वो है, सरकार जिनको
लागू करेगी, अपनी नीति बनाएगी, पॉलिसी उन पर आधारित करेगी, पॉलिसी आधारित करेगी, और इसलिए समान नागरिकता की बात वहां है। लेकिन समान नागरिकता का कानून वो उस समय पेश नहीं कर पाए। हिंदू कोड बिल वो शायद उनके दिमाग में ये था कि मूल समाज एक बार बदल जाएगा तो शायद बाकी लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन वो उस समय यदि समान नागरिकता की बात हो जाती तो वो हो जाती। आज बड़ा मुश्किल हो गया, अभी बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। ठीक बात है, आगे चलेंगे थोड़ा सा। पंत साहब आपसे एक बात करेंगे कि जो बीत गया सो बीत गया, अब हम आगे की सोचते हैं, अभी की सोचते हैं, जो है वर्तमान में है, समय जो निकल गया वो गया। आज हम देखते हैं कितना उनके बारे में लिखा गया है, कितना उनके बारे में पढ़ा गया है और कितना उनको गुना और समझा गया है। देखिए, अपनी अपनी राय होती है। मैं ये समझता हूँ कि माननीय बाबा साहब जी को अगर ज़्यादा पढ़ा जाए, लोगों को बताया जाए, ऐसी आवश्यकता है, और युवा वर्ग भी उनके बारे में जाने, ऐसी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उनके ऐसे हैं जीवन के जो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। विशेष रूप से जब से, जैसा कि बताया, बचपन से उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ बहुत जगह उनको असंतोष भी हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एस्केप जो शब्द है उनके जीवन में नहीं रहा कि मुझे हर बात में भागना है, इस चीज़ से हटना है, नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इन सब चीज़ों के बीच में रह के इसे रेक्टिफाई करूंगा, करेक्ट करूंगा। हाँ, मुझे दुख होगा कि ये स्थिति क्यों है, लेकिन मैं इस चीज़ के विरोध इसके अंदर रह करके करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ये हर जगह बचपन में हुआ, संस्कारों में बड़ी भूमिका संस्कारों की थी उनके पास, पर भारत की मिट्टी में हर व्यक्ति संस्कारित है ऐसा हम मानते हैं। पिता ने, राम जी ने उनको बचपन से सेना के होने के बाद अनुशासन सिखाया, लेकिन साथ में उन्होंने रामायण और गीता भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपकी संस्कृति आपने नहीं छोड़नी है। और अंत समय तक 1955 में तक वो बड़े आजकल क्या लगता है आपको, अभी हम लोग उतना पढ़ पा रहे हैं उनको, उतना समझ पा रहे हैं उस व्यक्तित्व को? नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं लगता बहुत पढ़ा गया है। क्या आवश्यकता है, ये लाइब्रेरी में रखने की चीज नहीं है। हाँ। ये लाइब्रेरी में बाबा साहब का जो पूरा व्यक्तित्व है वो जीवन में उतारने की चीज है, और उसके लिए नेतृत्व को आगे आना भी पड़ेगा, छोटी छोटी ग्राम सभाओं में जाकर के इस बात को बताना पड़ेगा, और मीडिया में भी इसका बात आना जरूरी है, उनके पॉजिटिव पॉइंट जितने बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली उनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही, नेगेटिव तो मुझे उनके जीवन में कुछ दिखता नहीं। पाठ्यक्रम में बाबा साहब का जीवन चरित्र जरूर शामिल किया जाना चाहिए, बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी कमी है। और कई क्लासेज में क्रमश है बाबा साहब का संघर्ष, उनका जीवन, उनके विचार, उनके भारत के प्रति दृष्टिकोण, ये अनेक कक्षाओं में शामिल किया जाना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताए। एक और पॉइंट है, हमें लगता है कि 1935 ये उनके जीवन का एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जैसा हम कह सकते हैं। रमाबाई जिनकी हम बात कर रहे थे, उनकी पत्नी, उनका देहांत भी शुरुआती महीनों में 1935 में हुआ, और 3-4 महीने बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं दूसरा धर्म अंगीकार करूंगा, जिसके लिए उन्होंने 21 वर्ष का पूरा समय लिया। तो क्या हमें कहीं ऐसा लगता है कि यह इत्तेफाक ही था कि एक ही वर्ष में यह दोनों घटनाएं हुई, या कहीं इसमें यह भी पक्ष हमें नजर आता है कि उस समय तक उनको ये मन में पक्का करने में रमाबाई ने रोक रखा था? ऐसा तो कोई, मैंने वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत पढ़ा है, जी जी जी, मेरे ध्यान में इस तरह की कोई बात नहीं आई कि रमाबाई ने रोक रखा है, लेकिन रमाबाई को भी पढ़ने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया, इस तरह की बात तो सामने आती है। और बाबा साहब अंदर से बहुत दुखी थे समाज की स्थिति को देख करके। वो वस्तुतः वो धर्म बदलने जैसी कोई बात नहीं थी, धर्म समाज को झटका देना चाहते थे एक तरह से, जो मैंने पहले भी कहा आपको, तो कैसे झटका दिया जाए ये सोचने में मुझे लगता है 21 साल लग गए उनको, कि कैसे, किस प्रकार का एक बिजली का करंट लगाया जाए कि समाज में चेतना आ जाए कि भाई हमें अपना बदलाव करना है। सबसे बड़ी वो करंट का झटका मुझे लगता है कि शायद कुछ काम तो किया होगा। क्या लगता है बैरवा साहब, जो जिनके लिए उन्होंने करंट का झटका दिया, आज जिन्होंने, जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया, क्या लगता है वो आहुति आज काम कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से काम कर रही है। बाबा साहब ने जो काम किया और जो मार्गदर्शन दिया समाज को, समाज उससे एकजुट हुआ है, और उनमें शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। और एक बात मैं बीच में कहना चाह रहा था, लेकिन उस समय कह नहीं पाया जी,
बाबा साहब के बारे में जब पहले उनकी अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम होते थे जी, या टीवी या अखबार में बाबा साहब का नाम आता था तो एक आम धारणा ये बनती थी कि ये दलितों के मसीहा हैं, ये बाबा साहब दलितों के नेता हैं, इनके उद्धारक हैं। लेकिन आपने ये देखा धीरे 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 ये बात ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो दलितों के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मसीहा थे और उन्होंने सबके लिए काम किया, सबके लिए काम किया। तो जो एक आपने विषय छेड़ा था उनके बारे में पढ़ने वाला, उनके बारे में जानकारी लेने वाला, यदि इसकी जानकारी सब लोगों को हो जाए उनके जीवन संघर्ष की और उन्होंने जो कुछ देश और समाज के लिए काम किया उसकी और उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जिस पर वो चले, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में ये बहुत मददगार होते हैं। वाकई हमारे समाज के अंदर जब हमारे अंदर कोई भेद होता है, मन का भेद होता है या एक दूसरे के बारे में शंकाएं होती हैं, तो वो यूनिटी को इफेक्ट करती हैं, हमेशा एकता को इफेक्ट करती हैं। और यदि हमारे भेद मिट जाते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं। तो ये जितने भी भेद हैं इनको ख़त्म करने के लिए बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनका राष्ट्र और समाज के लिए जो काम किया उसके बारे में उनको बताने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और इस काम को मैं तो इतना दिल से खुश हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने 125वां जो उनका जयंती समारोह है उसको पूरे साल मनाने का आह्वान किया है और जो जो लोकसभा है उसमें दो दिन का डिबेट जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है किया गया जी, प्रियम्बल है जिसमें एकता बंधुता और ये समानता इन सब की जो बात की गई है उसके ऊपर चर्चा हुई। ये चीज़ें दबी हुई थी, जानते सब थे लेकिन इन पर चर्चा हुई और वो चर्चा को जिन लोगों ने सुना है देखा है उनके कंसेप्ट देश की जनता की ओर से, देश की जनता जिन्होंने सुना है उससे उससे लोगों के इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि आज हम इस पर मंथन करने लगे हैं कि वास्तव में मंथन जरूरी है। सांपो सागर मंथन से अमृत निकलता है। रामस्वरूप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने बंधुता की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि स्वतंत्रता और समता बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर, लेकिन ये तब तक नहीं आएगी जब तक बंधुता नहीं होगी। और बंधुता के लिए सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता है, बंधुता तब आएगी जब साथ मिलकर के समाज का राष्ट्र का हम काम करेंगे। जब साथ मिलकर समाज का और राष्ट्र का काम करेंगे, आपस में लगाव होगा, देश के प्रति एक लगाव पैदा होगा, तो एक सामाजिक समरसता आएगी और उससे स्वतंत्रता और समानता का भाव पैदा होगा। सही बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक दिन कहा था कि मैं पहली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हैं जी, कि मैं पहली और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि समय का अंतराल हो सकता है, एक समय ऐसा निश्चित रूप से आएगा जब ये देश सुपर पावर बन करके दुनिया के सामने खड़ा हो। अब हमें लगता है कि हमारा देश उस समय अग्रसर भी है। पंत साहब, कुछ रह गया हो तो कहना चाहते हैं आप। देखिए, कहा जाता है पाप के चार हथियार होते हैं। पहला उपेक्षा, बाबा साहब के लिए उपयोग हुआ, उनके जीवन में आपके सामने है। दूसरा हथियार, जब उपेक्षा से भी वो व्यक्ति नहीं रुकता तो दूसरा हथियार है निंदा, वो भी हुआ, फिर भी उससे वो प्रखर हुआ और प्रखर हुआ तो पाप तिलमिला के तीसरा हथियार चलाता है हत्या। हत्या मतलब उसको उस जगह से हटा देना। ऐसा भी हुआ बाबा साहब के साथ, वो चुनाव के समय भी हुआ और त्यागपत्र भी उन्होंने दिया। ठीक बात है। लेकिन फिर भी उनका ये जो आवेग रुका नहीं, प्रखर रुका नहीं, तो पाप अपना चौथा हथियार लगाता है, अंतिम ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, वह है उपासना। तो हमें इसे बचना पड़ेगा, उनकी मूर्ति बना करके चौराहे पे नहीं लगाना, उनको वास्तव में अपने जीवन में उतारना। और इस चीज से मेरे को लगता है भारत में बहुत बड़ा अभ्युदय होगा, एक समता का एक चीज बनेगी। वाकई में ये निश्रेय है और ये अभ्युदय, इन दोनों को जब हम ले साथ में लेकर के चलते हैं तो माँ भारती परम वैभव के शिखर तक पहुंचेगी। बहुत संक्षिप्त में रामस्वरूप जी, अगर आपका कोई संदेश हमारे देश के युवाओं के लिए, हम सभी लोगों के लिए। बाबा साहब को युवा जरूर पढ़ें, उनके मूल रूप में पढ़ें और इस बात को देखें कि कितना उनके साथ असहिष्णुता या भेदभाव हुआ, लेकिन उसका उन्होंने रूपांतरण किया और अपनी एक ऊर्जा पैदा की समाज को बदलने के लिए।
इसको समझने की आवश्यकता युवा पीढ़ी को। वाकई में जो बातें हमारे बीच में हुई हैं, आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया, और सिर्फ भाग ही नहीं लिए, सिर्फ शामिल ही नहीं हुए बल्कि उसमें समर्पित भी हुए, और वही समर्पण हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में देखने को मिलता है। लगता है कि ये युवा जो इसको इस शब्द को ज़रा उल्टा करके देखते हैं तो वायु बनती है, जो प्राण है जीवन के लिए युवा, वैसे ही शान है समाज के लिए, और वैसे ही शान है हमारे बाबा साहब जो सितारों की तरह चमकते रहेंगे। और बंस साहब ने बहुत सही बात भी कही है कि हमें उसको मंदिरों में स्थापित नहीं करना बल्कि अपने मन के मंदिर में स्थापित करना है। और वो कहते हैं ना कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, तो उस मूरत को हमें अपने अंदर स्थान देना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहेंगे। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।